हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आया हूँ एक और वीडियो लेके। ये वीडियो कोई वीजा सीरीज का वीडियो नहीं है, कोई डेली ब्लॉग नहीं है। ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक फुल टाइम ट्रेवल ब्लॉगर हूँ और अभी तक तकरीबन मैंने 28 कंट्रीज़ को विजिट किया है और लगभग 10 साल से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मोस्टली मैं अपने वीज़ा खुद ही अप्लाई करता हूँ, चाहे एम्बेसी से करने हो या ऑनलाइन करने हो। मोस्टली वीज़ा मैं खुद से अप्लाई करता हूँ। तो 10 साल से जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 28 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल की हैं, तो वीज़ा अप्लाई करते 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 मुझे इतना नॉलेज हो चुका कि भी क्या डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए और कैसे फाइल प्रिपेयर करनी होती है। और जब से मैंने अपने वीज़ा सीरीज डालनी शुरू की है तो बहुत से लोगों के कमेंट आने लग गए कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए या जो कुछ भी है। और मार्केट में इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी कुछ आपकी हेल्प कर दूं। ऑफ कोर्स इसके लिए मैं थोड़ा सा चार्ज आपसे लूँगा, लेकिन वो नॉमिनल चार्ज लूँगा आपसे मैं। तो बस आपसे मैं आपको ये प्रोफेशनल सर्विस दूंगा। अगर किसी भी बंदे को मेरे से इस तरह की कोई सर्विसेज चाहिए, जैसे कवरिंग लेटर बनवाना है, कवरिंग लेटर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है आपकी वीज़ा फाइल के लिए, क्योंकि तो जो काउंसलर या जो भी आपकी फाइल दिखेगा उसके सामने आप फिजिकल नहीं हो, तो वो आपका कवरिंग लेटर दे के ही आपकी एक इमेज अपने दिमाग में जनरेट करेगा। तो कवरिंग लेटर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कवरिंग लेटर बनवाना है, ट्रेवल आइटनरी बनवानी है, डमी टिकट्स बुक करवाने हैं या कोई भी ऑनलाइन वीज़ा आपको भरवाना है, अप्लाई करवाना है या और भी कोई भी आपको ट्रेवल रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्यूरी है, तो आप मेरे को उस चीज़ के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक मिनिमम आप मुझे एक अमाउंट पे करके आप मेरी सर्विसेज आप मेरे से ले सकते हैं। सर्विसेज की गारंटी रहेगी, वीज़ा की गारंटी मैं नहीं लेता देखो, क्योंकि मैं खुद वीज़ा अप्लाई करता हूँ, कई बार मेरे वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, लग जाते हैं। वीज़ा की गारंटी नहीं है, लेकिन आपको मैं अपनी बेस्ट सर्विसेज दूंगा, उसकी गारंटी आपको है। और इसके लिए मैं बहुत नॉमिनल चार्ज लूंगा आपसे। अब चार्ज कोई फिक्स नहीं है, कंट्री टू कंट्री, सर्विस टू सर्विस। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार वर्क वीज़ा या वर्क परमिट, RC, रजिस्ट्रेशन, ये इसका मत पूछें, क्योंकि इस चीज़ में मैं डील नहीं करता। मैं ट्रेवल पर्पज़ के लिए जाता हूँ और उसी चीज़ के लिए आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के बारे में गाइड कर सकता हूँ, टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट कन्वर्ट करवाना, उसके लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। दूसरा, कोई प्लीज़ जुगाड़ के लिए मत कॉल करना मुझे, क्योंकि तो यार बहुत मैसेज आते हैं कि सर जुगाड़ करवा दो। सर मेरे पास में कोई जुगाड़ नहीं है, मैं अपने कोई वीज़ा जुगाड़ से नहीं लगवाता, सारे वीज़ाज मैं खुद लीगल वे में करवाता हूँ, ठीक है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन वगैरह मैं नहीं करता, तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ आप मुझे पिंग मत करना। अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं और एक जेन्युइन तरीके से आप चाहते हैं वीज़ा अप्लाई करना, तो ही आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। और प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। आप अपनी प्रोफाइल मुझे सेंड कर सकते हैं, प्रोफाइल मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट, करंट अकाउंट, करंट करंट की हुई, सेविंग की हुई, सैलरी अकाउंट की हुई, 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी ITR विद कंप्यूटेशन, और आपके कुछ अगर जो आपके पास में और कुछ फंड्स हैं जो आपने सेविंग किए हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं। उसके बेस पे, उसको स्टडी करके बेस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके वीज़ा आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए या जहाँ का वीज़ा आप चाह रहे हैं उसका वीज़ा मिलने में क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको रहेगी। लेकिन अगेन मैं आपको बोलता हूँ, वीज़ा की गारंटी मैं किसी की भी नहीं लेता, इवन मैं थाईलैंड के वीज़ा की गारंटी भी नहीं लेता मैं, ओके। ये टोटली आपके लक, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। हाँ, मैं अपनी तरफ से आपकी प्रोफाइल जो है बेस्ट बना दूंगा, तो श्योर आपको लग जाना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ टूरिस्ट वीज़ा के लिए कॉन्टेक्ट करें, और दूसरी कोई कैटेगरी के लिए वीज़ा के लिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। जुगाड़, सॉरी, आप मुझे कांटेक्ट ना करें जुगाड़ के लिए, क्योंकि
अगर जेन्युइन चीज़ आप चाहते हैं तो कंटेक्ट करें, ठीक है। तो अगर किसी भी बंदे को मेरी सर्विसेज की ज़रूरत हो, आप फील फ्री मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा। चलिए, बस ये वीडियो इसीलिए बनाया था मैंने। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत।